शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के ननखड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुरेश मेहता, महासू जिला अध्यक्ष BHP ने कहा कि आज हम हर चीनी वस्तु का बहिष्कार करते हैं। सुरेश मेहता ने लोगों से अपील की कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में ना तो कोई चीनी वस्तु रखे और ना अपने ढाबे का कोई चाइनीज ढाबा लिखे। उन्होंने तिब्बती समुदाय से अनुरोध किया कि यदि आप भारतीय शरणार्थी हो, आपको अपने भारत देश से प्यार है, तो आज आपको दिखाना होगा कि भारत हमारी माँ है। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने शी जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लगाए और शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के साथ साथ विविध संगठनों के कार्यकर्ता गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत ने हमेशा ही विश्व को राह दिखाने का कार्य किया है, विश्व को ज्ञान देने का कार्य किया है। भारत ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन कुछ देश आज भी भारत की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य कर रहे हैं। हमारा इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व देव शर्मा, जिला सत्संग प्रमुख जिला रामपुर मंगलेश शास्त्री, मुख्य पुजारी मंदिर ननखड़ी सुरेश शर्मा, जिला सेवा प्रमुख एकल अभियान ग्राम स्वराज प्रमुख दक्षिणी हिमाचल प्रदेश अनीता, दुर्गा बाहिनी सियोजिका कनिका अनुभव मेहता, प्रधान कमेटी दुधिया नाग ननखड़ी सतीश शर्मा, कृष्णा कृपा गोपाल गौशाला सदस्य ननखड़ी, संतोष मेहत कृष्ण गोपाल गौशाला प्रधान ननखड़ी, सचिन साप्टा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष ननखड़ी, राजू आनंद देवी, सुमित्रा देवी, सुरेश चौहान और एकल अभियान के गांव-गांव से आई मातृशक्ति उपस्थित रही।